काली नागिन, ये नीला रंग तो पैर होता है ना, मतलब वो मक्खी वो मर जाएगी। अरे जाओ, रोको, भागो। अवंतिका, अवंतिका नहीं। इससे क्या हो गया शिवांगी को? कितना वक्त लगा रही है शिवांगी, कम ऑन हरी अप। शिवांगी, शिवांगी चलो देर हो रही है। शिवांगी, शिवांगी मैं अंदर आ रहा हूं। शिवांगी तुम भी ना शिव चली गई है। नॉट रीचेबल शिवांगी, फोन नॉट रीचेबल। अचानक रूम से कहां चल शिवांगी, कहां गया वो नाग? भाग गया। क्यों, तू नागिन है ना, तूने उसे क्यों नहीं पकड़ा? 118 साल पुरानी नागिन। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। क्यों, तेरी आंखों का बल्ब फ्यूज हो गया क्या? देख, अगर उसे पकड़ती ना तो तुझे छोड़ना पड़ता और फिर तू इस शहद में मसल के मर जाता और थोड़ी देर में तेरा क्रियाक्रम हो जाता मोटी। समझी नौटंकी? हाँ समझ गई। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। एक बार ना उस मक्खी ने भी मुझे बचाया था और आज तूने, ये सब मेरे कर्मों का फल है। जरूर पिछले जन्म में मैंने तुझे बहुत ज्यादा दूध और उस मक्खी को शहद पिलाया होगा। शहद छोड़ और उस शहद वाली को देखने चल, क्या पता कहीं शहीद हो गई तो। ऐसे ऊपर लटक लटक के तू मुझसे सवाल पूछेगी ना तो मैं जवाब नहीं दे सकती। मुझे आज से बहुत डर लगता है। ओवर एक्टिंग की दुकान। शिवांगी, शिवांगी का है? ये मक्खी तो मर गई। हे भगवान, उस नाग ने इस मक्खी को खत्म कर दिया। बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसने कहा मैं मर गई? मैं महेशमतियों की रानी हूँ। मेरी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। दुनिया का कोई जहर मुझे नहीं मार सकता। इस शहद के पहाड़ में कर्कोटक नाग का जहर था, वो नाग जो शिव जी के गले में रहते हैं। खाते ही एक पल में इंसान मर जाता है, पर मैं नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली यामिनी। तो फिर तू कैसे मरेगी? क्यों, मारना चाहती है? अब नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। तुझे मैंने जिंदा किया था, अब मैं तुझे ही बता दूं कि मेरी मौत कैसे होगी। तुम लोगों का क्या भरोसा मैं कैसे मरूंगी, वो तुम लोगों को तो क्या, दुनिया में किसी को नहीं बताऊंगी। इतना जहरीला जहर खाने के बाद भी ये अवंतिका जिंदा है। लेकिन जब मौत आती है तो वो सात समुंदर पार से भी आती है। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ।
लो कह रहे बस। और वैसे भी हम तुझे क्यों मारेंगे, हाँ देख तू जिंदा है, तू ठीक है, ये देखकर हम सब कितने खुश है। सुन नैन बात, तुमको तू अपनी मौत का राज मत बता, लेकिन लेकिन इस नाग की मौत का राज तो बता, कैसे मारे हम उसे। बहुत शक्तिशाली हो गया वो, इस काली नागिन से भी ज्यादा, वो हमारे सामने गायब हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत दूर नहीं निकला होगा, आओ उसे ढूंढते हैं। शिवांगी, 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 शिवांगी कहाँ थी तुम? डरा ही दिया था तुमने मुझे, कहाँ का नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तो एक सेकंड, तो मंदिर से कैसे है? कैसे मतलब, मैं तो यही थी, कपड़े बदल रही थी। यही? तुम यहाँ नहीं थी, मैं अंदर गया था कमरे में देखने के लिए। वो क्या हुआ ना, मेरे कपड़े गीले हो गए, तो मैं चेंज लेने के लिए बाहर गई, तुम्हें फोन पर देखा तो खुद ही कपड़े लेने चली गई। यहाँ आई थी तो तुम नहीं थे, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे तुम? अरे कहाँ का नहीं देखा तुम्हें, रूम में गया था, बाहर भी गया था, गाड़ी के पास तक गया था मैं देखने के लिए, बट मैं किसी दूसरे रास्ते से चली आई, रास्ता भटक गई थी। खैर छोड़ो, हमें जल्दी निकलना चाहिए, बड़ी माँ का फोन आया था, सब डिनर पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बैग्स लेकर आता हूँ। शुक्र है इसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, इसे शक हो जाता तो आज सबको शक हो जाता। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो सपोला, फिर भाग गया, एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया। इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उसे, भाग गया कहीं। चलिए चलते हैं। खून? खून? अरे ओ काली नागिन, वो नाग तुझे घायल करके चला गया और तुझे पता भी नहीं चला। खून कर दूंगी, अपने ताने की दुकान बंद कर, ये मेरा खून नहीं है। हा? ये उस नाग का खून है जिसे हमने घायल किया था। अब उस नाग को पकड़ना मुश्किल नहीं है। वो कैसे, वो तो भाग गया। अरे भाग गया पर अपनी निशानी तो छोड़कर चला गया, ये खून। देवांगी जब तुमने देखा कि मैं फंस गया था तो तुम मुझे बचाने क्यों आई? क्योंकि ये मेरा इंतकाम है। तुम भले ही मेरी मदद कर रहे हो लेकिन इन लोगों को मारना मेरा काम है, और मैं ऐसे कैसे नहीं आती, तुम्हारी जान खतरे में थी। तुमने भी तो पार्टी में मुझे बचाया ना, मेरे लिए सबके सामने आए। हाँ मैं सबके सामने आया था, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और खुशी की बात यह है कि अवंतिका मर गई। नहीं शिवांगी, अवंतिका मरी नहीं, मरी नहीं। या? पर मैंने तो खुद उस कर्कोटक नाक का जहर उस शहद में मिलाया था। लेकिन अवंतिका मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है। मैं महेश मतियो की रानी हूं, मेरी मौत कब होगी कैसे होगी ये सिर्फ मैं जानती हूं। दुनिया का कोई जहर मुझे नहीं मार सकता। अवंतिका, अवंतिका फिर से बच गई, पर कब तक बचेगी? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना उसका। रुद्र, ये खून, ये क्या हुआ? थोड़ा सा घायल हो गया हूं लेकिन ये जख्म कुछ भी नहीं। कैसे कैसे कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारा खून उन लोगों के हाथ लग गया तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी।